हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी हीट की, हीट में चल रही थी मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि ट्रांसफ़र जो होती है हीट, उनके प्रकार क्या हैं, तरीके क्या हैं। तो कुछ तीन मोड मैंने आपको बताए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसमें से कंडक्शन कम्प्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे कन्वेक्शन के बारे में। देखिए, कन्वेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या है कि पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कन्वेक्शन जो है वो मेनली लिक्विड्स और गैसेस के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मोड होता है मेनली। क्यों? बिकॉज़ ये जो दोनों ही हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे जिनसे बने हुए हैं, उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, क्लोजली पैक्ड नहीं होते। इसमें फार अवे, यानी कि आप ये कह सकते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें थोड़े दूर और गैसेस में तो काफ़ी डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तभी वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो होता क्या है, जैसे ही आप किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, देखिए कोई लिक्विड को क्या कर रहे हैं आप, गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये मान लीजिए उनके पार्टिकल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, हीट मिलते ही जो ये पार्टिकल हैं ये क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे, हीट मिलते ही ये हीट अप हो जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और इनकी जगह ये दूसरे मॉलिक्यूल जो ठंडे वाले हैं वो इनकी जगह आ जाएंगे, और जैसे ये गर्म होंगे तो ये चले जाएंगे और दूसरे। इस तरीके से हॉट पार्टिकल्स ऊपर और कोल्ड पार्टिकल्स नीचे, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि कम्प्लीटली ये जो लिक्विड है वो कम्प्लीटली गर्म ना हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाती है। और इसके अगर मैं बात करूं, कन्वेक्शन नेचुरल कन्वेक्शन भी होता है, ये तो एक नॉर्मली आपके घरों में भी आप देख सकते हैं। एक मैं बात करूं तो एक नेचुरल कन्वेक्शन भी होता है, देखिए सन और ये मान लीजिए अर्थ की सरफेस, सन की रेज आएंगी, इस लैंड को क्या करेंगी, हीट करेंगी, हीट अप करेंगी। लैंड गर्म होगा तो इसके पास वाली जो एयर है, जो पास वाली एयर है उसके मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जब गर्म होंगे वो क्या कहलाएगी, एयर, हॉट एयर, और हॉट एयर राइज अप, हॉट एयर राइज अप यानी ऊपर उड़ जाएगी, और इसकी जगह पे जो यहाँ कोल्ड एयर थी वो यहाँ ले लेगी, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। और इसी तरीके से जो हमारी जो एयर है या फिर हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट बना रहता है, गर्म बना रहता है। गर्मियों में तभी ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि सन की जो रेज़ हैं वो सीधी पड़ती हैं, और सर्दियों में इसीलिए क्योंकि सन की रेज ढंग से पूरे फॉर्म में जो अर्थ का जो लैंड है, ज़मीन है, उसको गर्म नहीं कर पाती, हीट अप नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन था। इसी में दो बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो सी कोस्ट होते हैं या कोस्टल एरियाज जो होते हैं, कोस्टल एरियाज यानी समुद्र के किनारे वाली जगह, वहाँ आप मानिए कि ये तो है लैंड हो गया और ये आपका सी हो गया, ये सन है, क्या है, सन। दिन के समय में दिन में ही रहेगा सन, दिन के समय में देखिए इसकी जो हीट है वो तो इक्वली सी पे और लैंड पे दोनों पे इक्वल पड़ेगी, लेकिन क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, हॉट, और ये इसकी तुलना में रहेगा कूल क्योंकि लेट गर्म होता है। तो ये अब जब गर्म होगा तो यहाँ से जो हवाएं हैं या फिर इसकी जो एयर है वो गर्म होके ऊपर उठेंगी, हॉट एयर राइज अप,
और यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो इसकी जगह ले लेंगी। यानी दिन के समय जो एयर है कोस्टल एरियाज़ में वो समुद्र तल से या फिर सी से लैंड की तरफ चलती हैं, इधर चलेंगी ऐसे, और इन हवाओं को कहेंगे हम सी ब्रीज, क्योंकि सी से आ रही हैं, इनको क्या कहेंगे, सी ब्रीज। ठीक, अब यही कंडीशन नाइट में देखें हम, ये चांद निकला हुआ है, नाइट हो गई, ये आपका मान लीजिए सी है और ये लैंड है। देखिए लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन पानी जो है वो ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगाता है, इसीलिए ये रात के समय में ठंडा हो जाएगा और ये रहेगा हॉट। यहाँ की हवाएं गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी, और इनकी जगह कौन लेगा, यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं। यानी रात के समय में समुद्र किनारे या कोस्टल एरियाज़ में जो एयर है, जो हवा है, वो लैंड से सी की तरफ चलेगी, इनको कहेंगे लैंड ब्रीज। तो ये बात हुई कन्वेक्शन के बारे में, नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। कन्वेक्शन में ही, कन्वेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, कन्वेक्शन के कुछ यूज भी हैं, तो यूज देखते हैं कन्वेक्शन के यूजेस। देखिए फर्स्ट, जो वेंटिलेटर्स हैं वो हमेशा बनाए जाते हैं बिल्कुल सीलिंग के पास, यानी छत के बिल्कुल पास बनाए जाते हैं वेंटिलेटर्स। कारण क्योंकि हम जो ब्रीथ आउट करते हैं एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं, तो ये होती है हॉट, गर्म होती है, ऊपर उठती है, और जिससे ऊपर उठेगी, तो अब ऊपर अगर रास्ता है, यानी कि आपने वेंटिलेटर बना रखे हैं या एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो उससे वो बाहर चली जाएगी और नेचुरल और ठंडी एयर जो आपकी है वो अंदर आएगी। इससे जो आपका जो वफोगेशन है रूम का वो नहीं क्रिएट होगा, अच्छा माहौल रहेगा, इसीलिए वेंटिलेटर हमेशा ऊपर बनाए जाते हैं। पहला यूज़ कन्वेक्शन का। सेकंड में बात करूं, जो चिमनीज़ हैं वो भी ऊपर इसीलिए होती हैं, जो धुआं वगैरह है वो गर्म होता है, ऊपर उठता है, और चिमनी के माध्यम से आसानी से ऊपर से चला जाता है। और अगर बात करें रूम हीटर को हमेशा नीचे प्लेस किया जाता है, जिससे कि वो हीट प्रोड्यूस करे, और जितने भी एयर हैं वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, वो नीचे गर्म होगी, ऊपर उठेगी, और इससे क्या है, कन्वेक्शन के माध्यम से जो पूरा आपका जो रूम है वो गर्म हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे या यूजेस थे जो कि कन्वेक्शन के थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।